देख पुत्र, 1,47,00,000 वोट लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। ये है पाकिस्तान। ओ तेरी, हमें फिर अवाम ने एक मौका दिया है कि पिछली बार हमने जितना लूटा था अब वहीं से कंटिन्यू करें और जो कुछ इस मुल्क में बचा है वो सब भी लूट कर ले जाएं। ये सब कुछ हमारा है। हाँ पुत्र, मगर वो ऊपर कौन सी जगह है? वो केपी के है, वहाँ इमरान की हुकूमत। मगर मैं तो समझ रहा था पूरा पाकिस्तान हमारा है। बेटा, इतनी भी लूट नहीं मची हुई, मगर हम उसके बगैर भी लूट लेंगे। मगर कैसे? रुको, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को कर्जे देंगे ताकि वो फकीर बन जाए, उनको मांगने की आदत पड़ जाए। फिर हम सारा पैसा रोडों और पुलों पर लगा देंगे और लोगों को पढ़ाई से दूर करेंगे ताकि उनका शऊर खत्म हो जाए। मगर इससे फायदा होगा? हाँ पुत्र, थोड़ा सब्र करो। लोग बेशक हमें गालियां दे, मगर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम आराम से लूटेंगे और लूटने के बाद बाहर के मुल्क चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बीएम साहब। आओ निसार, आपके लिए स्टोरियां लाया हूं। सुनाओ फिर। रमजान शुरू होते ही हर जगह महंगाई फैल गई है, आवाम खूब जलील और ख्वार हो रही है। काफी सारे लोगों के घर तो अफतारी का सामान भी नहीं है। महंगाई जैसी थी वैसी ही है, बल्कि मेरे ख्याल में तो कुछ चीजें और भी महंगी हो गई है।